विजय मंदिर जय जनेंद्र, मैं इससे हूँ बड़ा पद्म प्रभु भगवान के मंदिर में। हम आपको दर्शन कराते हैं पद्म प्रभु भगवान के। और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, नए साल 2021 में आज 3 तारीख हो चुकी है और यहाँ के दर्शन आपको कराते हैं। जी जी हाँ, कितनी सुंदर अद्भुत प्रतिमा, भरतेश्वर महाराज भरत भगवान की प्रतिमा के दर्शन। शांतिनाथ भगवान की जय हो, महावीर भगवान की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अद्भुत सुंदरता है, आंखों में समाये, ऐसे लगता है कि भगवान के मन मंदिर में। आदिनाथ भगवान की जय हो, पद्म प्रभु भगवान की जय हो। बाहुबली भगवान का मस्त क्षेत्रपाल भगवान, ये मंदिर के वेदी जी के चारों तरफ की जगह है जो आपको दिखा रहे हैं। बाहर बहुत सुंदर से 4 वेदियाँ अलग से चारों तरफ बनी हुई है जिसके आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। बहुत अद्भुत सुंदरता यहाँ पर, अद्भुत। दूर दूर से यहाँ पर बंधुओं लोग आते हैं पूरे देश विदेश से। और राजस्थान का सबसे प्राचीन और बहुत ही सुंदर अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर है ये, जहाँ पर साक्षात चमत्कार होते हैं। साक्षात आदिनाथ भगवान की जय। अष्ट धातु की यहाँ पे दोस्तों से बहुत सारे धर्मावलंबी आए हुए हैं। रविवार का दिन है और यहाँ पर मेरे साथ में एक बहन खड़ी है, इनसे पूछना चाहेंगे कि कब से आ रहे हैं और कैसा लगता है यहाँ पर आकर के इनको। तो आप बताइए प्लीज़ कि आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में बाड़ा पद्म प्रभु में और कैसा लगता है आपको यहाँ के। काफ़ी टाइम से यहाँ आ रहे हैं, जितनी मेरी एज है आई थिंक 38-40 साल हो गए मुझे कंटिन्यू आते हुए। ठीक है, और यहाँ आते काफ़ी एनर्जी फील होती है, मतलब पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी फील होती है और काफ़ी सुकून मिलता है। कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है? प्रतिमा में काफी तेज है। ओके, यहाँ पे जो प्रतिमा विराजमान है पद्म प्रभु भगवान की। और लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो लोग यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए? जितने लोग यहाँ आए हैं भगवान करे उन सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सभी खुश रहें। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतनी छोटी बेबी मेरे साथ है, इससे मैं जानना चाहूँगा कि ये पद्मपुरा कब से आ रही है और यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है ना, वे बताइए प्लीज। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले पैरेट्स के झुंड था, बस अभी थोड़ी देर में उड़ जाते हैं। बस मुझे आज ये पैरेट दिख रहा है, आज मेरे सामने बैठा है। अब मैं कैसा लगता है ना आपको, ये जरा थोड़ा ये नीचे हटाइए मास्क को। और यहाँ पर आकर के कैसा लगता है आपको पद्मपुरा आकर के? पद्मपुरा हमारे भगवान की जगह है, हमारे भगवान की जगह है। भगवान की कौन से भगवान की मूर्ति है यहाँ पर? आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, पद्म प्रभु भगवान। ओके, हर एक
भगवान की मूर्ति है यहाँ पे, और अगर आप भगवान के चरणों में आओगे तो सुख पाओगे, दुख पाओगे, सुखी पाओगे। सुखी तो मैं, ओ देखिए पेरेंट्स आ चुके हैं, एक तार के ऊपर बैठा है, एक यहाँ पे मूर्ति के सामने। दोस्तों यहाँ पर पैरेट तो बहुत जबरदस्त होते हैं, और अनलिमिटेड पैरेट, अनलिमिटेड पैरेट। आज से 5 साल पहले यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी, तब भी ये लड़की मुझे यहाँ पर मिली थी, और इसने तब भी बोला था देखिए वो पैरेट। और आज फिर यहाँ की दूसरी वीडियो बनाई है पदमपुरा की, और फिर इस बच्ची का ध्यान केवल पैरेट पर रहता है, यहाँ पर आकर के मंदिर से बाहर निकलते ही। यहाँ के जो पैरेट्स हैं ना, इनकी एक खासियत होती है, एक तो शोर बहुत ज़्यादा करते हैं इनकी, तो यही खासियत होती है वैसे भी, एक्चुअली में यही खासियत होती थी। और एक खासियत एकदम सीक्रेट है, ये भगवान के चरणों में रहता है। भगवान के चरणों में रहते हैं। अगर मंदिर में रहेंगे पेरेंट्स, अब कॉर्सली कोई कोई मंदिर के अंदर घुस जाते हैं, ये तो एक्चुअली बात है, अगर गेट खुला रहेगा, वैसे भी वहाँ के गेट खुले रहते हैं, रात को फिर भी बंद कर देते हैं, पर एक्चुअली सुबह। सीक्रेट बात बताइए इस बच्ची ने कि पैरेट जो होते हैं भगवान के चरणों में रहते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता था आज। दोस्तों बहुत बड़ी जगह पर, बहुत कई बीघा के अंदर ये मंदिर बसा हुआ है, बहुत बड़ी धर्मशाला है। देखो यहाँ पे गेट खुले रहते हैं वैसे भी, तो कभी भी जा सकते हैं, उनका मन करे तो जा सकते हैं, मन नहीं करेगा तो नहीं रहेंगे। बट ये जो यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, इतनी साफ, इतनी सुंदर, मैं क्या बताऊँ, मतलब हर एक भगवान जी की होती एक्चुअली होती है। तो हमें धर्म को सबसे पहले थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू बेटा। दोस्तों ये है बाड़ा पद्म प्रभु भगवान का बहुत सुंदर मंदिर। पद्म प्रभु जो जयपुर से तकरीबन 38 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर एक बहुत सुंदर भव्य डोम बना हुआ है, जहाँ पर कई हज़ारों की तादाद में बैठ करके लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, और चारों तरफ गार्डन, यहाँ बहुत सुंदर झूले लगे हुए हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर झूला झूलने के लिए। हाँ एक बात और बताना चाह रही है नव्या जी। यस बेबी बताइए। ओके ये बता रही है कि यहाँ के जो पैरेट है वो इस पेड़ में रहते हैं, ये उनका घोंसला है पेड़ में, दिख रहे हैं आपको पेड़ में रहते हैं। ये पेड़ वाकई में पैरेट से भरा हुआ है, देखिए चारों तरफ पैरेट से लदा हुआ है, इस पेड़ में सिर्फ पैरेट ही पैरेट नजर आएंगे आपको, आप ऊपर जहाँ जहाँ तक नजर जाएगी। देखिए इन दोनों पेड़ों पे देखिए, गाछ की बात बता दी, डालियों देख ले चारों तरफ। हाँ बिल्कुल देख लिया मैंने नवे, दोनों पेड़ भगवान जी ने उगाए हैं, बहुत सुंदर पेड़ है। ओके नव्या थैंक यू लिटिल चैम्प, थैंक यू सो मच। तो इतने सुंदर मंदिर के दर्शन करना मत भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी दर्शन करने आइए, यहाँ पर आके अच्छे अच्छे लोगों के बुरे बुरे पाप कट जाते हैं, और अच्छी अच्छी जिंदगियाँ मिलती हैं, खुशियाँ मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पद्म प्रभु के दरबार में सिर्फ खुशियाँ मिलती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। 8560999666 मेरा नंबर है, ज़्यादा जानकारी चाहते हैं जब चाहे कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच।